वेलकम टू माय चैनल लर्न विद स्टडी। चाहे आप एसएससी सीजीएल की प्रिपरेशन कर रहे हो, सीपीओ की, सीएचएसएल की या एमटीएस की, प्रॉफिट एंड लॉस बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये है प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 17। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 16 तक मैं प्रोवाइड कर चुका हूं और टोटल 170 क्वेश्चन ऑलरेडी मैं कंप्लीट कर चुका हूं। तो जो लोग नहीं देखे हैं वो मेरे चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप देख सकते हैं। इस टॉपिक से मैं टोटल 340 प्लस क्वेश्चन कराने वाला हूं। इस वीडियो में हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 171 से क्वेश्चन नंबर 180 के वीडियो। तो जो लोग मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन होगा बगल में उसको जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। वीडियो शुरू करने से पहले कुछ इन्फॉर्मेशन मैं देना चाहता हूँ कि ये थ्री टॉपिक्स जो हैं ऑलरेडी ये प्रीवियस ईयर सीरीज के कंप्लीट हो चुके हैं। नंबर सिस्टम टोटल 413 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 35 वीडियो में। परसेंटेज 314 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 25 वीडियो में। रेशियो एंड प्रपोर्शन 268 क्वेश्चन कंप्लीट करा चुका हूँ पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 27। और ये पूरी तरह से ये जो तीनों टॉपिक्स हैं पूरी तरह से कंप्लीट हो चुके हैं। इसमें सीजीएल प्री मेंस के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, सीपीओ प्री मेंस के क्वेश्चन इंक्लूड हैं, सीएचएस सीएचएसएल एंड एज वेल एज एमटीएस के भी क्वेश्चन इंक्लूड हैं। इस वीडियो का भी टारगेट है 500 लाइक का। ये आपके ऊपर डिपेंड है, आप इसको अचीव कर सकते हैं। आप जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास शेयर कीजिएगा उतनी ही आपको कंटिन्यू वीडियो मिलती रहेगी। एक और इन्फॉर्मेशन क्या है कि जो लोग टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन नहीं है अपने मोबाइल में टेलीग्राम ऐप्स को डाउनलोड कीजिए, उस पर अपना अकाउंट बनाइए और इस वीडियो के कमेंट्स बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा। उस लिंक को क्या कर सकते हैं, क्लिक करके आप ज्वाइन हो सकते हैं। या अपने टेलीग्राम ऐप्स को डायरेक्टली आप ज्वाइन होना चाहते हैं तो टेलीग्राम ऐप्स को ओपन कीजिए और उस पर सर्च कीजिए 7300+ मैथ, वहां से भी आप डायरेक्टली ज्वाइन हो सकते हैं। तो देर नहीं करते हुए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 171। देखिए क्या कहा गया है क्वेश्चन। ए मैन बॉट ऑरेंज एट द रेट ऑफ 8 for Rs. 34 एंड सोल्ड देम एट द रेट ऑफ 12 Rs. 57। हाउ मेनी ऑरेंजेस शुड बी सोल्ड टू अर्न ए नेट प्रॉफिट ऑफ 45। कहा गया है कि एक व्यक्ति 34 रुपए में 8 संतरे की दर से संतरे खरीदता है और उन्हें 57 रुपए में 12 संतरे की दर से बेच देता है, तो 45 रुपए कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे। अब देखिए ध्यान से यहां पे, अब मैं आपको यहां पे कुछ चीजें समझाना चाहूंगा। देखिए पहले हम ऐसे क्वेश्चन में आर्टिकल लिखते हैं इधर और इधर लिखते हैं प्राइस, प्राइस यानी कि रुपीज। खरीदने के टाइम क्या किया गया है, 8 आर्टिकल लिया गया है और बेचा कि सॉरी खरीदा कितने गए 34 रुपीज में। बेचने के टाइम की बात किया जाए तो 12 आर्टिकल की बात किया जा रहा है और बेचा कितने में जा रहा है 57 में। तो हम क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, हमेशा मैं बताया हूं कि जब भी प्रॉफिट लॉस या कुछ भी निकालना है पहले आर्टिकल को हमें क्या करना पड़ेगा, सेम आर्टिकल मतलब वस्तु। यहां पे वस्तु क्या है, ऑरेंज, ओ आर ए एन जी ई, ऑरेंज यानी कि संतरा है। यहां पे आर्टिकल क्या है, संतरा है। हमेशा हम आर्टिकल को सेम करेंगे यानी यहां पे हम ऑरेंज को सेम करेंगे। तो देखिए आर्टिकल को सेम करने के लिए यहां पे 8 है और यहां पे 12 है। आर्टिकल को सेम करने के लिए क्या करें, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर दे और यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई कर दे, सॉरी यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दे तो आर्टिकल सेम हो जाएगा। जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो बोथ में करते हैं। देखिए किस तरह से 8 से इस 3 में करेंगे तो आर्टिकल कितना हो गया पहले केस में 24 और उसकी प्राइस क्या हो जाएगी 34 × 3, 4 × 3 = 12, 3 × 9 = 10, 102। फिर 2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो पहले इसमें इसको करना पड़ेगा तो 12 × 2 = 24 और इसमें इससे करेंगे तो 7 × 2 = 4 और 5 × 2 = 10 और 10 × 1 = 11। यानी कि आपके पास हो गया 24 आर्टिकल को खरीदा कितने में गया 102 रुपए में, 24 आर्टिकल को बेचा कितने में गया 114 रुपए में। कितने का प्रॉफिट हुआ यहाँ पे, यहाँ पे कितने का प्रॉफिट हुआ आप खुद देखो, 12 यूनिट का प्रॉफिट हुआ और वो किसके बराबर है, क्वेश्चन में दिया गया है 45 के बराबर है। तो अब हमसे पूछा गया कि 45 रुपए कमाने के लिए उसे कितने संतरे बेचने पड़ेंगे, यानी कि 12 यूनिट की वैल्यू 45 के बराबर है, आर्टिकल हमें बेचना कितना आर्टिकल बेचा गया, आर्टिकल कितना है 24, यानी 24 यूनिट की वैल्यू पूछा जा रहा है। कि क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दें, यानी कितना 90 आर्टिकल को बेचा गया 45। अगर 45 रुपए लाभ कमाना है तो उसको कितना आर्टिकल बेचना पड़ेगा, 90 आर्टिकल। बस यहाँ पे ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्वेश्चन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 172। ए शॉप मैन बॉट
pens at the rate of 7 for RS10 and sold them at a profit of 40%. How many pens would a customer to get RS10 rupees? देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे आसान तरीका क्या करें, क्वेश्चन जो कहा जा रहा है उसके अकॉर्डिंग हम मूवमेंट करते हैं। देखिए पहले केस में आर्टिकल है, क्वेश्चन दिया गया है कि 7 पेन का कॉस्ट प्राइस कितना रुपए है, 10 रुपए है, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब खुद सोचिए 7 आर्टिकल का कॉस्ट प्राइस कितना है, 10 रुपए। प्रॉफिट कमाना है 40 रुपए, प्रॉफिट कमाना है 40 रुपए, 10 का 40% कितना हो गया, 40/100 कैंसिल, यानी 4 रुपए प्रॉफिट हो गया। यानी कॉस्ट प्राइस अगर 10 रुपया था 7 आर्टिकल का, 4 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, यानी बेचा कितने में गया, 14 रुपए में। कितना आर्टिकल, 7 पेन, यानी ये क्या था, कॉस्ट प्राइस, 4 यूनिट का प्रॉफिट हुआ, यानी ये क्या बन गया, सेलिंग प्राइस। क्यों, क्योंकि 10 रुपये आपने खरीदा, 4 रुपये का प्रॉफिट कमाया, यानी बेचा कितने में, 14 रुपये में। तो यानी 7 पेन का, और क्या था, 7 पेन का कॉस्ट प्राइस था, तो जो सेलिंग प्राइस आएगा वो भी 7 पेन का आएगा, यानी 7 पेन का सेलिंग प्राइस कितना है, 14 रुपये। अब आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। हाउ मेनी पेन्स वुड ए कस्टमर टू गेट फॉर 10 रुपीज। कोई कस्टमर दुकान पे जा रहा है, अगर वो 10 रुपए में कितने पेन खरीद पाएगा। अब खुद सोचो बेचने वाला क्या बेच रहा है, 14 रुपए में 7 पेन बेच रहा है। तो खरीदने वाला, जो बेचने वाला होगा और जो बेचेगा, खरीदने वाला उसको क्या करेगा, खरीद लेगा ग्राहक कस्टमर। तो बताओ 1 रुपए में कितना पेन आएगा, 7/14 पेन। तो उसको क्या करना है, 10 रुपए में कितना पेन चाहिए, 10 रुपए में, तो 7/14 × 10, बस मैं काट दूं 2, ये क्या हो गया, 5, यानी 5 पेन वो क्या करेगा, 10 रुपए में खरीद पाएगा, जो ग्राहक है खरीद पाएगा, बेचने वाला बेच पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरह से हमें क्वेश्चन को इजीली करना होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 173। देखिए क्या कहा गया, 173, कृष्णन परचेज ए नंबर ऑफ आर्टिकल्स एट द 10 रुपीज फॉर ईच एंड सेम नंबर ऑफ फॉर RS 14 रुपीज ईच, ही मिक्स देम टुगेदर एंड सोल्ड 13 रुपीज ईच, देन हिज गेन और लॉस परसेंट। कहा जा रहा है कृष्णन ने कुछ वस्तुएं 10 रुपए प्रति वस्तु की दर से तथा उतनी ही वस्तु 14 रुपए प्रति वस्तु की दर से खरीदा, वह उन्हें एक साथ मिलाकर के 13 रुपए की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ या हानि ज्ञात करें। अब यहाँ पे सेम वही चीज, आर्टिकल और उसकी प्राइस। देखो 10 रुपए ईच आर्टिकल, यानी एक आर्टिकल की प्राइस कितनी है, 10 रुपए खरीद। दूसरे वाला उसी सेम नंबर ऑफ, यानी एक आर्टिकल की प्राइस दूसरे बार खरीदने की कितनी है, 14 रुपए ईच। ये दोनों कॉस्ट प्राइस ही है, ठीक है। अब इन दोनों को मिला रहा है, इन दोनों को मिलाएगा तो आर्टिकल हमें क्या करना पड़ेगा, सेम आर्टिकल सेम है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी क्या है, CP1, और ये क्या है, CP2। तो अगर हमें आर्टिकल सेम नहीं होता तो सेम करते, सेम ही है, तो बताओ यहाँ पे CP1 और CP मेन जो CP है दोनों को मिलाने के बाद क्या होगा, CP1 + CP2। तो यहाँ पे 1 और 1 कितना हो गया, 2 आर्टिकल, और यहाँ पे मैं ऐड करूँ 14 और 10 कितना हो गया, 24 रुपये। यानी 2 आर्टिकल को बेच रहा है 24 रुपये, सॉरी खरीद रहा है, ये कॉस्ट प्राइस हो गया। अब बेचने के टाइम क्या कहा जा रहा है, देखो बेचने के टाइम 13 आर्टिकल ईच, यानी एक आर्टिकल की वैल्यू 13 है। यानी देखो अगर मैं यहां पे बोलूं एक आर्टिकल को बेच रहा है, देखो एक आर्टिकल को बेच रहा है 13 रुपए में, लेकिन उसको बेचना कितना, खरीदा 2 आर्टिकल को, आर्टिकल हमें सेम करना है, तो 2 आर्टिकल को कितना में बेचेगा, 13 एक आर्टिकल की वैल्यू 13 रुपए, तो 2 आर्टिकल की 26 रुपए। देखो ये क्या था, कंबाइंड सीपी, और ये क्या है, कंबाइंड एसपी। अब सीपी 24 रुपए, और गेन कितना का हुआ, सॉरी सेलिंग प्राइस 26 रुपीज, तो प्रॉफिट कितने का हुआ, प्रॉफिट हुआ 2 रुपए का। हमें यहाँ पे प्रॉफिट और लॉस परसेंट, तो देखो लॉस तो हो नहीं सकता, प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट, प्रॉफिट परसेंट किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पे, कॉस्ट प्राइस कितनी है 24, परसेंटेज में करने के लिए क्या करें, 100 से मल्टीप्लाई, ये कितना हो गया 12, 4 से मल्टीप्लाई करूँ तो 4 से डिवाइड करूँ तो 25, और ये 3, यानी कितना हो गया 25/3%। अगर मैं 25/3 को करूँ तो क्या हो गया 8/1/3% का क्या हो गया, प्रॉफिट। और ये कौन सा आंसर कर मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।
तो आपको बस एक ही चीज माइंड में रखना है, क्यों मैंने यहाँ पे एक आर्टिकल को बेचना है 13 रुपए में, मैंने यहाँ पे दो आर्टिकल क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे दो आर्टिकल था। किसी तरह आपको सेम बनाना है। अब एट जी और चॉइस के आप सेम किस तरह से करते हो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन मैं ले रहा हूं ना, वो सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे गए हैं, मैं अपने से कोई भी क्वेश्चन नहीं ले रहा हूं। देखिए जैसे ये क्वेश्चन है एसएससी सीजीएल मेंस, वो वैसे ही सारे क्वेश्चन उस पर लिखा नहीं हुआ कि कौन से ईयर का है, लेकिन सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में ही पूछे हुए हैं। ये मेन्स के पेपर में 2015 में पूछा गया है क्वेश्चन, यहाँ पे लिखा हुआ है ए मैन परचेजेज सम ऑरेंज एट द रेट ऑफ 3440 एंड सेम क्वान्टिटी 5460 ही If he sell all the oranges 3450, find the gain or loss percent। कहा जा रहा है कि एक आदमी 40 रुपए में 3 की दर से कुछ संतरे खरीदता है, उतनी ही मात्रा में कुछ संतरे 60 रुपए के हिसाब से 5 की दर से खरीदता है। यदि वह सभी संतरे को 50 रुपए 3 की दर से बेच दे तो उसे प्राप्त लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात करें। अब देखिए इस क्वेश्चन को सिंपल तरीके से क्या है, सेम वही है आर्टिकल एंड प्राइस। पहले के कंडीशन में खरीदने का 3 आर्टिकल 40 रुपए में, दूसरे के टाइम में 5 आर्टिकल 60 रुपए के हिसाब से, ये क्या है CP1 और CP2, ये खरीदने का प्रोसेस है। अब क्या करें, हम हमेशा बताएं पहले आर्टिकल को सेम कर लो। आर्टिकल को सेम करने के लिए यहाँ पे 5 से मल्टीप्लाई और यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो आर्टिकल और प्राइस, अब देखिए आर्टिकल कितना हो गया 15, प्राइस कितना हो गया 200, आर्टिकल क्या हो गया 15, प्राइस कितना हो गया 180। ये क्या है CP1 और ये क्या है CP2। अब इन दोनों को मिक्स करके बेच रहा है तो आर्टिकल कितने हो गए 30 और प्राइस कितना हो गया 380 रुपीज। ये क्या है फाइनल CP। अब यहां पे समझने वाली बात क्या है, आर्टिकल 30 308 जब बेचना चाह रहा है, बेचने का केस में क्या है 3 आर्टिकल 50, 3 आर्टिकल को 50 रुपए के हिसाब से बेच रहा है। अब ध्यान से देखिएगा 3 आर्टिकल को 50 रुपए के हिसाब से बेच रहा है, लेकिन खरीदने समय कितना आर्टिकल है 30, तो 10 30 बनाने के लिए क्या आर्टिकल, यहाँ पे 3 आर्टिकल की वैल्यू 50 यानी कितना, तो 30 आर्टिकल की वैल्यू। ऐसे ना करो, देखो दो तरीका है, एक चीज मैं बता देता हूँ यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं कर रहा हूँ, अदरवाइज आप देखो दोनों तरीका मैं बता देता हूँ। 3 आर्टिकल को बेच रहा है 50 रुपए में, आर्टिकल सेम करना है क्योंकि यहाँ पे कॉस्ट प्राइस जब खरीदने समय 30 आर्टिकल है, तो 30 आर्टिकल 10 से मल्टीप्लाई करूं 30 आर्टिकल हो गया, इधर 10 से मल्टीप्लाई करूं यानी कितना हो गया 500 रुपए बेचने का टाइम, यानी ये क्या हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। खरीदा 380 में, बेचा कितने में 500 में, क्योंकि आर्टिकल हमें सेम करना था, यहां भी 30 हो गया, तो बचाओ कितने का प्रॉफिट हुआ उसको, प्रॉफिट होगा तो हानि तो भूल जाओ, हानि तो हो नहीं सकता। अब प्रॉफिट हो रहा है और प्रॉफिट भी क्या निकालना है, नियरेस्ट इंटीजर यानी कि जो निकटतम पूर्णांक है, तो प्रॉफिट कितने का हो रहा है 380, देखो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ 380 रुपया है क्या CP, SP कितना है 500 रुपया, प्रॉफिट कितने का हुआ 120 का, प्रॉफिट परसेंट 120 अपॉन किस पे 380 × 100, 10 से 10 कैंसिल। अगर मैं इसको काटूं तो क्या हो गया 2 × 6 = 12 = 19, यानी आया हमारा 600/19। अगर मैं इसको भाग दूं तो 19 × 3 = 57, ठीक है 19 × 3 = 57, 3 बचा 19 × 19, अब कितना बचा 19 × 19 यानी 11, पॉइंट दूंगा तो 110, तो 19 × 5 = 95 और 19 × 7 = 133, ये अप्रोक्सीमेट आया, यानी कि 31.57, ये 5 से बड़ा है, डेसिमल के बाद 5 से बड़ा है तो उसको हम क्या मानना पड़ेगा अप्रोक्सीमेट 32। तो आंसर कौन सा मैच करेगा, बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, क्योंकि प्रॉफिट हो रहा था और क्वेश्चन में दिया गया था नियरेस्ट इंटीजर क्या होगा, अगर ये 5 से छोटा होता देन 31 मानते, 5 से बड़ा है डेट्स वाई 57 है ना, तो क्या मानना पड़ेगा हमें अप्रोक्सीमेट 32 लेना पड़ेगा, ठीक है। तो ये क्वेश्चन मेंस में पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 175। देखिए 175 क्वेश्चन क्या कहा जा रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन कहा गया है कि द प्राइस ऑफ ए कोल इज इंक्रीजेज बाय 20%, बाय व्हाट परसेंट द फैमिली शुड डिक्रीजेज इट्स कंजम्पशन सो दैट एक्सपेंडिचर रिमेन कॉन्स्टेंट। कोयले के दामों में 20% की बढ़ोतरी होती है तो परिवार में अपनी खपत कितने प्रतिशत की कटौती करनी होगी ताकि खर्च बराबर रहे। देखिए ये कॉन्सेप्ट इस पे चलता है A इज इक्वल टू B इंटू C,
ए क्या है कोई क्वांटिटी, वो प्रोडक्ट में है किसके, बी इंटू सी। जैसे इस क्वेश्चन में एक्सपेंडिचर क्या होगा, प्राइज इंटू क्वांटिटी, और यहां पे ए को क्या रखना है कांस्टेंट। अगर ए को कांस्टेंट रखना है तो अगर बी को इंक्रीज करोगे तो सी को डिक्रीज करना पड़ेगा, बी को डिक्रीज करोगे तो सी को इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी यहां पे देखो खर्चा क्या रखना है, एक्सपेंडिचर रखना है कांस्टेंट, यानी सेम रखना है, जितना पहले था उतना ही। यानी अगर प्राइस इंक्रीज करोगे तो क्वांटिटी को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज, यानी खपत को क्वांटिटी या कंजम्पशन, यहां पर लिख सकते हो कंजम्पशन, यानी खपत को क्या करना पड़ेगा, डिक्रीज। अगर प्राइस को डिक्रीज करते तो कंजम्पशन को इंक्रीज करना पड़ता। तो देखो प्राइस क्या हो रहा है, 20% इंक्रीज, 20% की वैल्यू क्या होती है 1/5, इनिशियल है, एक का इंक्रीज हुआ, यानी प्राइस क्या हो गया 5 से 6 हो गया। प्राइस अगर हमने बढ़ाया तो क्वांटिटी को हमें क्या करना पड़ेगा, कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा, 5 से 6 हो गया। अब उल्टा वापस आना है क्योंकि हमें एक्सपेंडिचर सेम रखना है, तो कहां पे कितना कम करना पड़ेगा, 6 से 5 आने के लिए 1 का कम करना पड़ेगा, किससे 6 से, इनटू क्या 100, और 1/6 जैसे ही आपने देखा आपको पता होना चाहिए परसेंटेज में, 100 क्यों मल्टीप्लाई किया परसेंटेज में करने के लिए, 1/6 का मतलब होता है 16.66%, या अगर इसको 16 सही 2/3% लिख सकते हो, तो ये कौन सा हो जाएगा ऑप्शन डी। एक्चुअली में क्या है, देखिए आप ऐसे लिख सकते हो, प्राइस 5 से 6 हुआ तो कंजम्पशन इसके उल्टा हो जाएगा 6 से 5, कितना डिक्रीज हुआ 1, आउट ऑफ किस पे 6 पे, इनटू 100। तो आप डायरेक्टली यहीं से लिख सकते हो, अभी एक स्टेप ये ना लिख करके आप डायरेक्टली 5 से 6 प्राइस बढ़ा तो कंजम्पशन घटेगा कितना 1, किस पे, जो बेस वैल्यू अब नया चेंज हो जाएगा 6 पे, इनटू 100। बस ये क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन था, ये तो मैं आपको इतना समझाने के लिए किया था, अदरवाइज आप इसको ओरली भी कर सकते थे विदाउट एनी पेन एंड पेपर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 176। देखिए क्वेश्चन नंबर 176 क्या कहा जा रहा है, निकिता बोट 30 kg वीट एट द रेट ऑफ 9.50 पर kg ऑफ वीट एंड द सेम अमाउंट ऑफ वीट एट द रेट ऑफ 8.50 पर kg, मिक्स देम, सी सोल्ड द मिक्सचर एट द रेट ऑफ इतने रुपए पर kg, ही टोटल प्रॉफिट और लॉस इन द ट्रांजेक्शन। कहा जा रहा है निकिता ने इतने रुपए पर किलोग्राम की दर से, 30 kg गेहूं इतने रुपए पर किलोग्राम की दर से उतना ही गेहूं खरीदा, दोनों गेहूं को मिलाने के पश्चात उसने मिश्रण में 8.90 रुपए प्रति किलोग्राम की दर से बेच दिया, तो उसे कुल कितना लाभ या हानि हुआ। देखिए ध्यान से आप खुद सोचो, हमारे पास दो चीजें हैं, पहला, पहले के केस में 30 केजी खरीदना है किसके दर से 9.50 रुपए, एक केजी का दाम है 9.50, तो 30 केजी का कितना हो जाएगा 30 × 9.50। दूसरे के केस में क्या है, ध्यान से देखो, दूसरे के केस में भी क्या है, सेम नंबर ऑफ वीट, सेम अमाउंट ऑफ वीट एट द रेट ऑफ इतना रुपए पर केजी। अब खुद सोचो, 1 रुपए की कॉस्ट कितनी है 8.50, तो 30 केजी की बात करें तो 30 × कितना हो जाएगा 8.50, ये हमारे पास आ गया। अब ये मल्टीप्लाई करूं तो कितना रुपए हो जाएंगे, मल्टीप्लाई कर देता हूं तो बस सिंपल क्या हो जाएगा, आप यहाँ पे देख लीजिए, इन दोनों को चलो मल्टीप्लाई किया, दोनों ये भी सीपी था ये भी सीपी था, ऐड कर दूं फाइनल सीपी निकालने के लिए, दोनों को मिक्स करके खरीदा गया ना, तो देखो फाइनल सीपी निकालने के लिए 30 दोनों में कॉमन है, 30 कॉमन कर लिया, क्या हो गया 9.50 प्लस 8.50, ये कैलकुलेशन करने का अपना अपना तरीका, तो 30 × अगर इसमें मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 9, 8, 17 और 50, 50, 100, यानी 18 हो गया, 18 × 3 540 रुपया। ये क्या आया 540 रुपया कॉस्ट प्राइस तो आ गया, कितने आर्टिकल 30 kg यहाँ और 30 kg यहाँ, यानी 60 kg का। अब आगे बात करते हैं, जब वो बेच रहा है तो 1 kg की वैल्यू, जब बेच रहा है तो 1 kg की वैल्यू कितनी है 8.90, यहाँ पे 60 kg का कॉस्ट प्राइस है तो हमें 60 kg लेना पड़ेगा, क्यों, हम आर्टिकल ऐसे क्वेश्चन में सेम करते हैं, 60 kg, 1 kg की वैल्यू इतना, तो 60 kg की 8.90 × 60 मल्टीप्लाई करूं तो ये कितना हो जाएगा 534 हो जाएगा, इतना क्या हो गया ये कॉस्ट प्राइस ऑफ 60 kg 540, सेलिंग प्राइस ऑफ 60 kg कितना है 534। अब बताओ खरीदा 540 में बेचा 534 में, क्या होगा लॉस, तो देखो प्रॉफिट तो हो नहीं सकता, दो ऑप्शन कैंसिल, लॉस हुआ,
540 रुपए क्या है कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस कितनी है 534। कितने का लॉस हुआ उसको, 6 रुपए का लॉस हो गया। तो ऑप्शन 2 रुपए नहीं हो जाएगा, ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन था, अगर आपको करने का तरीका पता है डेफिनेटली आप कर पाओगे ऐसे क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 177। देखिए 177 क्या कहा जा रहा है, नीता ब्लेंड्स टू वैरायटी ऑफ टी, वन कॉस्टिंग फॉर 180 रुपए पर केजी एंड अनदर कॉस्टिंग 200 रुपए पर केजी इन द रेशियो 5:3। इफ सी सेल द ब्लेंड वैरायटी ऑफ 210 पर केजी देन हर गेन इज। देखिए यहां पे दो तरह की वैरायटी है, फर्स्ट वैरायटी है 180 रुपए पर केजी, सेकेंड वैरायटी है 200 रुपए पर केजी। इनका रेशियो क्या देगा, 5:2, यानी ये फर्स्ट वैरायटी है और ये सेकेंड वैरायटी। फर्स्ट वैरायटी को 5:5 रेशियो में यानी 180:5, सेकेंड वैरायटी को 3 रेशियो में इतना, यानी ये कितना हो गया 18:5 900 और ये कितना हो गया 600। और ये दोनों क्या है, दो टाइप की वैरायटी, खरीदने की बात किया जा रहा है, कॉस्टिंग की बात किया, टोटल कॉस्ट कितना हो गया 1500 रुपये हुआ, 1500 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गया। कितना आर्टिकल का, 5 आर्टिकल इधर और 3 आर्टिकल इधर, ये 8 आर्टिकल की बात किया जा रहा है कॉस्ट प्राइस आ गया। जब बेचने की बात किया जा रहा है, बेच रहा है तो 210 रुपये पर केजी, यानी 1 केजी की जो सेलिंग प्राइस है 210 रुपये है। बताओ यहाँ पे 8 आर्टिकल है तो यहाँ पे केजी है ना, यहाँ पे आर्टिकल क्या है 8 केजी है, केजी के फॉर्म में है, तो 8 केजी की वैल्यू निकालें तो 8 से मल्टीप्लाई कर दें, 210 × 8 यानी कितना हो गया। आर्टिकल मतलब क्या, वस्तु किलोग्राम में भी हो सकती है, इस फॉर्म में संतरा या कुछ भी हो सकता है। तो 208 × 8 08 8 16 रुपए, ये क्या है सेलिंग प्राइस। देखिए कॉस्ट प्राइस है हमारे पास 8 केजी का 1500, कॉस्ट प्राइस है 8 केजी, सेलिंग प्राइस है 8 केजी का 1680, सीपी है 1500, ठीक है, एसपी है 1680। कितने का प्रॉफिट हुआ, 180 का, आउट ऑफ किस पे 1500 पे, इनटू क्या, परसेंटेज में लाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई। अब देखो ध्यान से, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, और आप मैथ के स्टूडेंट हो तो आपको पता होना चाहिए 15 × 12 कितना होता है 180। तो जैसे ही 15 को 180 देखे 12 आ गया, यानी 12% क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। तो क्वेश्चन आसान होते हैं चाहे वो प्री के हों या मेंस के हों, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं, अदरवाइज आपके कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो आप इसी में फंसे रहोगे, ये प्री का क्वेश्चन है ये मेंस का क्वेश्चन है। अदरवाइज अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हैं तो आप कोई भी क्वेश्चन पूछे, चाहे प्री का हो या मेंस का हो, आप इजिली कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 178। देखिए 178 क्वेश्चन क्या दिया गया है, ए शॉपकीपर बॉट 80 kg फॉर ए शुगर एट द रेट ऑफ इतना, ही मिक्स्ड 120 kg एट द कॉस्टिंग ऑफ 16 रुपए पर केजी इन ऑर्डर टू मेक 20% प्रॉफिट ही मस्ट सेल द मिक्सचर इच। अब देखिए इस क्वेश्चन को हम सबसे पहले, दो वेराइटी हैं और फाइनली उसको मिक्स करके बेचा जा रहा है, तो इसको हम एलिगेशन लगा लेते हैं और फिर उसके बाद बेसिक मेथड भी आते हैं। तो सबसे पहले हम इसको एलिगेशन मेथड से करते हैं। एलिगेशन मेथड, पहला वेराइटी है वो कितने रुपए पर केजी के हिसाब से है, 13.50 रुपए के हिसाब से कॉस्टिंग की बात की जा रहा है। दूसरी वेराइटी के टाइम क्या कहा जा रहा है, वो कितने रुपए पर केजी के हिसाब से, 16 रुपए पर केजी के हिसाब से। इन दोनों को मिक्स किया जा रहा है, मान लेते हैं हमें नहीं पता ये मिक्सिंग क्या है, एक्स रुपए पर केजी के हिसाब से हुआ, और पहले वाली वेराइटी की क्या लिया गया है 80 kg, दूसरे वाले वेराइटी का क्या लिया गया है 120 kg। तो हम बीच वाला इन दोनों को मिक्स करने के बाद कॉस्टिंग निकाल दें, तो मिक्स करने के बाद कॉस्टिंग निकाल देते हैं। तो देखो इनका रेशियो निकालूं तो 4:3, क्योंकि ये यहां पे क्या दर्शाता है, जो ये आता है ये और ये दर्शाता है कि इन विच रेशियो टू क्वांटिटी आर मिक्स्ड, यानी अगर मैं 40 से डिवाइड करूं तो 40 × 80 = 40। अब ये क्या शो करता है, ये जो बीच वाला ये वाला है पॉइंट, ये शो करता है एलिगेशन में कि इससे ये कितना छोटा है और इससे ये कितना बड़ा है। तो 16 ये वाला क्या हो जाएगा यहाँ पे 16 - x, और ये क्या हो जाएगा x - 13.50। जो लोग एलिगेशन नहीं समझते हैं वो मेरी एलिगेशन के टॉपिक मेरे चैनल के प्लेलिस्ट से जाकर के देख सकते हैं। और इनका रेशियो, इसका और इसका रेशियो क्या दिया गया है 2:3, यानी 16 - x / x - 13.50
इज इक्वल टू 2/3, क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 48 - 3x इज इक्वल टू 2x - 50 × 100, 13 × 26, 26 और 2 कितना, 26 और 1 कितना हो गया 27, यहां तक हो गया। चलिए अगर मैं इसको इधर लेके जाता हूं क्या हो गया 5x, इसको मैं इधर लेके जाता हूं तो 8 × 7 = 15, 4 × 2 = 6 = 75, यानी x की वैल्यू कितनी हो गई 15, x की वैल्यू 15, यानी जो हम इन दोनों को मिक्स किए तो ये जो x आया 15 रुपए पर kg क्या आ गया, कॉस्ट आ गया, यानी कि सीपी आ गया। उस पर क्या कहा जा रहा है, प्रॉफिट कमाना है 20%, यानी प्रॉफिट कमाना है 20% में, यानी बेचा कितने में होगा 120 में, यानी 15 का 120% हम डायरेक्टली निकाल दें, कैंसिल कैंसिल, 15 × 12 कितना होता है, अभी मैंने बताया था 180/10, यानी क्या हो गया 18 रुपए पर kg के हिसाब से बेचा, तो 18 रुपए पर kg क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्यों, देखो कॉस्ट प्राइस है 15 रुपए पर kg, 20% का प्रॉफिट कमा रहा है, यानी किसी चीज को बेच कितने में रहा है, 20% का प्रॉफिट यानी 120 में बेच रहा है, बस 15, चलो ऐसे काटना है तो काट लो, नहीं तो 15 × 12 होता है 180, नीचे बचा 10, कितना हो गया 18 रुपए पर kg के हिसाब से बेचा, वही चीज मैंने किया। तो ये था मेथड वन, एलिगेशन मेथड। अगर आप जैसे इससे पहले मैं बेसिक मेथड से करा रहा था ऐसे क्वेश्चन को, वो भी बेसिक मेथड देख लो, ताकि आपको ये ना हो कि बेसिक मेथड से नहीं बनता है, बेसिक मेथड हमेशा अप्लाई कर सकते हो अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है। देखिए ध्यान से, 1 kg की वैल्यू कितने रुपए है, इतने 13.50, तो 80 kg की वैल्यू कितनी हो जाएगी 30.5 × इतना। आगे बढ़ते हैं, ये क्या है पहला CP1, दूसरा में 120 kg मिक्स किया जा रहा है किसे, 16 रुपए पर kg के, 1 kg की वैल्यू 16 रुपए है तो 120 kg की इतनी, ये CP2, इन दोनों को मिक्स करूंगा, ऐड कर दिया तो कितना हो गया, जो लो जो भी ऐड करने के बाद ये क्या हो जाएगा, चलो मैं लिख ही देता हूं यहाँ पे ताकि आप क्वेश्चन को बना सको। अब देखिए ध्यान से, ये हो गया 1080 और ये कितना हो गया 1920, ये क्या है, अगर मैं अगर इन दोनों को जोड़ू तो कितना हो गया, ये चलो जोड़ लेता हूं तो हो जाएगा 3000 रुपीज, यानी कि CP1 + CP2 सीपी आ गया, सीपी ये कितना आर्टिकल कितने का हो गया 80 kg और 120 kg, यानी 3000 रुपए कॉस्ट प्राइस तो है लेकिन कितना 80 और 20, यानी 200 kg का, तो मैं 1 kg का कॉस्ट प्राइस निकाल लूं तो 1 kg का कॉस्ट प्राइस कितना हो जाएगा 3000/200, 2 से 0, यानी क्या 15 रुपया पर kg, यानी देखो मेरे को क्या, मैंने आपको फिर से एक बार समझा देता हूँ, चलिए यहाँ पे अगर उल्टा नहीं समझ में आया होगा आपको तो मैं एक बार फिर से समझा देता हूँ। देखिए ध्यान से, ये 3000 रुपये कितने केजी का, 80 kg और 120 kg मिलाकर के कितना हो गया 200 kg की कॉस्टिंग कितनी है 3000 रुपये, तो 1 kg का कॉस्टिंग कितना हो जाएगा 2 × 0 = 0, 1 × 0 = 15 रुपये, 1 kg का कॉस्ट 15 रुपये, जब वो बेच रहा है तो क्या कहा जा रहा है कि 20% का क्या कर रहा है प्रॉफिट कमा रहा है, तो 15 का 20% निकाल लो या डायरेक्टली आप 120% निकाल लो। देखो दो तरीका है, 15 का 20% निकाल लो, 15 × 30/10, यानी 3 रुपए का प्रॉफिट हुआ, तो बेचा कितने में 18 रुपए पर kg, क्योंकि 1 kg का कॉस्ट प्राइस था। दूसरा तरीका क्या है, तो भी आ गया, दूसरा तरीका क्या है, 15 रुपये में खरीदा, एक केजी की कॉस्ट है 15 रुपये, बेच रहा है 20% का प्रॉफिट, यानी बेच कितने में रहा है 120/100, डायरेक्टली आप कर सकते थे 15 × 12 = 180/10, यानी आप डायरेक्टली निकाल सकते थे 18 रुपये पर kg के हिसाब से वो बेच रहा है। तो या तो आप ये यहाँ से मूव करो या आप डायरेक्टली यहाँ तक मूव कर सकते हो, ठीक है, और ये आपको तभी समझ में आएगा आप मेरी जब सिक्वेंस वाइज वीडियो को देख रहे होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 179। देखिए क्वेश्चन नंबर 179 एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में क्या है, मिक्सिंग का कॉन्सेप्ट है, लेकिन अगर आपके पास नॉलेज होगा तभी आप कर पाओगे, अदरवाइज आप इस क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए फिर भी मैं आपको ट्राई करूंगा बेटर समझाने की। टू गेन 10% ऑन सेलिंग प्राइस द मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर द कॉस्ट प्राइस ऑफ प्योर मिल्क द क्वांटिटी ऑफ वाटर टू बी मिक्सड विथ 50 kg ऑफ प्योर मिल्क कहा जा रहा है। देखिए ध्यान से हिंदी में देखिएगा, 50 kg शुद्ध दूध में कितना पानी मिलाया जाए कि मिश्रण को शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचने पर 10% का लाभ।
अब देखो यहाँ पे सिंपल सा चीज है, मैं इसको एकदम बेसिक तरीका से बताता हूं ताकि आप बेटर अंडरस्टैंडिंग कर पाओगे। लेट सपोज 1 kg प्योर मिल्क का कॉस्ट है 1 रुपया, 100 रुपये मान सकते हो, डजंट मैटर, ये आपके ऊपर, 2 रुपये, 3 रुपये, कुछ भी मान सकते हो। हमने इसलिए माना ताकि हमें आसानी से कर सकें क्वेश्चन को। 1 kg की मान लिया कॉस्टिंग इतना है, तो दूध कितना है 50 kg, तो 50 kg की कॉस्टिंग कितनी होगी 50 रुपये। यहां तक हो गया, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं आई होगी। आप 100 रुपये भी मान सकते हो तो 50 kg का 500 रुपये आ जाएगा, ये आपके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। एक्स मान सकते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड है। मैं 1 रुपये मान रहा हूं ताकि आसानी से क्वेश्चन को किया जा सके, और कोई रीजन नहीं है, ठीक है। आप 100 रुपये, एक्स रुपीज, 2 रुपये, कुछ भी मान सकते हो। अब बात आती है, देखिए ध्यान से, अब क्या कहा जा रहा है, 10% का प्रॉफिट कमाना है, 50 का 10% यानी 5 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। और ये 5 रुपये का प्रॉफिट कब होगा, जब आप पानी मिलाओगे। ये प्रॉफिट किस कहां से आया, पानी की वजह से। यानी कि कितना क्वांटिटी ऐड किया, देखो क्वांटिटी, क्वांटिटी हमें चाहिए, केजी में चाहिए, तो बताओ 1 रुपये की वैल्यू कितनी है 1 kg के बराबर, तो 5 रुपये की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 kg के बराबर। यानी उसने क्वांटिटी कितना वाटर जो ऐड किया गया होगा वो कितना केजी किया गया, 5 kg। ऑप्शन बी, क्यों, पानी मिला के बेचोगे तभी प्रॉफिट कमाओगे और पानी की कॉस्ट वो 0 होती है, तो इस तरह से उसने वाटर जो मिलाया वो 5 kg मिलाया। बस यही क्वेश्चन कहा गया था कि मिश्रण में शुद्ध दूध के लागत मूल्य पर बेचना है 10% के लाभ कमाने पर, उतना ही शुद्ध लागत जो जितना में उसने खरीदा था, तो क्या मिलाएगा, पानी, और पानी कितना मिलाएगा 5 kg मिलाएगा। बस सिंपल क्वेश्चन था, क्वेश्चन के अंडरस्टैंडिंग को करते हुए अगर आप क्वेश्चन के स्टेटमेंट को समझ रहे हैं तो क्वेश्चन आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 180। देखिए क्वेश्चन नंबर 180 आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, ए मिल्कमैन बॉट 70 लीटर ऑफ मिल्क फॉर इतना एंड एडेड 5 लीटर ऑफ वाटर। इफ ही सेल 9.0 रुपीज यानी 9 रुपये पर लीटर हिज प्रॉफिट परसेंटेज। कहा जा रहा है एक दूध वाले ने 630 रुपये में 70 लीटर दूध खरीदा और 5 लीटर पानी मिला दिया, मिश्रण को 9 रुपये प्रति लीटर की दर से बेच देता है, तो प्रतिशत लाभ क्या था। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, क्या है, 70 लीटर की कॉस्ट कितनी है 630 रुपये, ये कॉस्ट है सीपी। उसने क्या किया, 5 लीटर पानी मिला दिया, 5 लीटर पानी मिला दिया यानी क्या हो गया 75 लीटर हो गया, लेकिन वाटर का जो कॉस्ट था वो तो 0 रुपये है, वाटर तो फ्री में ही मिलाया होगा, अब ऐसा तो नहीं कि वाटर खरीद के मिलाया, यानी कॉस्ट 75 लीटर का भी कॉस्ट कितना है 635 रुपये। समझ में आ गया, उसने 5 लीटर वाटर मिला दिया, लीटर हो गया वहां पे 75 लीटर, लेकिन कॉस्ट तो उसका लगा कितना 600, क्योंकि वाटर की कॉस्ट क्या होती है 0, वाटर उसने फ्री में मिलाया, घर से पानी मिला दिया। अब आगे बढ़ते हैं, जब वो बेच रहा है तो 9 रुपये पर लीटर बेच रहा है, यानी एक एक लीटर की कीमत कितनी है बेचने टाइम 9 रुपये। हमने देखो यहाँ पे 75 लीटर बेचा है तो 75 लीटर, क्योंकि हमें क्या बताता हूँ हमेशा क्वांटिटी को सेम करना, तो 75 × 9 यानी कितना हो गया 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, 63 × 64 = 65, 66 = 66, 675 हो गया। ये क्या आ गया रुपीज, सेलिंग प्राइस। लो जी अब हमें चाहिए प्रतिशत लाभ, बताओ खरीदा कितने में था, क्यों मैंने 75 लीटर निकाला वैल्यू, इसकी वैल्यू क्यों निकाला, क्योंकि 75 लीटर की कॉस्ट प्राइस इतना है, तो हमें 75 लीटर का सेलिंग प्राइस पता होना चाहिए। तो देखिए 635 रुपये कॉस्ट प्राइस, 675 रुपये सेलिंग प्राइस, कितने का प्रॉफिट हुआ 45, कितने का प्रॉफिट हो गया आपको, अच्छा सॉरी यहाँ पे 630 है ना, यहाँ पे 630 होगा, यहाँ पे मिस्टेक मैंने कर दिया था। चलिए ये कितने का प्रॉफिट हुआ 45 का प्रॉफिट हमें परसेंटेज चाहिए, किस पे, सीपी पे निकलता है प्रॉफिट या लॉस, इनटू क्या 100 से मल्टीप्लाई परसेंटेज में करने के लिए। चलिए 10 से 10, 9 × 5 = 45, 9 × 7 = 63, यानी आया कितना 50/7%, 50/7% का मतलब क्या हो गया 7 सही 1/7%। ऑप्शन कौन सा मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट। तो इस तरह से हमने क्या किया कि 171 से 180 तक के क्वेश्चन किए, आई होप आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर समझ में आ गए होंगे। देखिए मेरे दो कोर्सेस रनिंग हैं,